जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। आज आपका फोर्थ क्लास है, ठीक है ना। थ्री क्लासेस हो गई हैं, फोर्थ क्लास में चलते हैं। तो फोर्थ क्लास में आपका कल मैंने आपको कहाँ पर कंप्लीट किया था, कहाँ तक किया था? हाँ, आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल, बोले तो यूकैरियोटिक सेल को हमने बताया था, ठीक है ना। आज हम उसके आगे बता रहे हैं, ठीक है। आपको सेल ऑर्गेन मैंने बता दिया था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेन होते हैं, एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा डिटेल देखना है ईच सेल ऑर्गेन्स का, ठीक है ना। हर ऑर्गेन्स जो मैंने आपके सेल्स में बताए हैं, कोशिका अंग जो बताए हैं, उनका हमें थोड़ा सा डिटेल देखना है कि किसी की डिस्कवरी आ जाए, किसी का फंक्शन आ जाए, तो वो बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं सेल वॉल को, किसमें, सेल बाउंड्री में। फर्स्ट में क्या आएगा, सेल वॉल, ठीक है ना। देखना, ये आपका डिटेल से बताएंगे इसको, सेल वॉल को। ये है आपका सेल, सेल वॉल, जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये आपकी कहलाएगी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है ना, कोशिका भित्ति। देखना, सबसे पहले यदि हम डिस्कवरी बोले कि डिस्कवर किसने है, किया है सेल वॉल को, तो किस साइंटिस्ट को बताया था मैंने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। ये आपका रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल वॉल। और जब इन्होंने क्या देखा था, सेल को देखा था, तो सेल की आउटर लेयर में आपका सबसे पहले सेल वॉल को ही देखा था। और सेशन मैंने वो क्या बताया था आपका, 1665 ही बताया था ना। तो उसी सेशन में आपका जब सेल की डिस्कवरी हुई थी एक डेड सेल में, तो डेड सेल पार्ट आपका सबसे फर्स्ट में आपका क्या देखा था, सेल वॉल को ही देखा था, ठीक है ना। तो वही आपका सेशन रहेगा। नेक्स्ट देखना, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल के डिस्कवरी आपको बताया मैंने रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट लिखेंगे। ये है आपका रॉबर्ट हुक, ठीक है। नेक्स्ट है हम सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल आपकी डेड एंड परमीएबल होती है। कैसी होती है, डेड एंड परमीएबल होती है। ये इसका रीजन भी मैंने बता दिया था कि इसे डेड क्यों बोला गया है और परमीएबल क्यों बोला गया है, तो ये भी पॉइंट आपको देखना है। ये पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल कितने टाइप की होती है। तो सेल वॉल थ्री पार्ट में डिवाइड होती है। पार्ट यदि देखें कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल, ठीक है ना। ऐसे जैसे हम एक प्लांट सेल में ये ऐसे बना दिया था हमने, ये ऐसे, ये ऐसे, ये, तो इसके ये आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल देखने पर एक लेयर दिखती है, लेकिन एक्चुअली में होती है तीन से मिलकर के बनी, तीन लेयर आपकी ऐसी होती है। जैसे इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी, इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। इसके नीचे जस्ट सेकेंड, इसके नीचे जो दूसरी आपकी आएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। ये आपकी सेकेंडरी, ये हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और जस्ट जो इनर होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, टर्सरी। ये हो जाएगी आपकी टर्सरी, ये कहलाएगी आपकी टर्सरी, टर्सरी सेल वॉल, बोले तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेल वॉल। इनमें अंतर क्या है, ये तीन जो हमने बताई हैं, ये तीनों हर किसी प्लांट में या आपके बैक्टीरिया में हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपके जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, ये तो सभी में पाई जाती है, सभी में पाई जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्लांट हो। प्राइमरी सेल वॉल ये सभी में पाई जाती, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की। ये पतली होती है थोड़ी आपकी, ये सेकेंड वाले से हल्की पतली रहेगी, और किसमें पाई जाती,
ऑल आपका कहना चाहिए बैक्टीरिया है, फंगस है, प्लांट है, मोस्टली आपकी ज्यादातर आपकी प्राइमरी सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और किसकी बनी होती है, यहाँ आप लिख सकते हैं मटेरियल नेम, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड हेमी, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और एक और लिख लेना पेक्टिन, पेक्टिन भी इसमें कुछ अमाउंट में होता है, पेक्टिन, ठीक है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है ये, बता रहे हैं। नेक्स्ट देखना जो सेकेंडरी सेल वॉल है जी, ये वाली जो येलो वाली है ये थोड़ी आपकी क्या होती है, प्राइमरी से थोड़ा मोटा होता है ये वाला पार्ट। ये जो येलो बनाई है मैंने, ये सेल वॉल जो होती है, ये सेल वॉल आपकी थोड़ी मोटी होती है कंपेयर टू प्राइमरी से, प्राइमरी से थोड़ा ये मोटी होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है। समझ में आया, ये थोड़ा मोटा बना देंगे। ये है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल और ये किसकी बनी होती है, ये हेमी सेल्यूलोज की, ये लिखेंगे हम हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, एंड पेक्टिन, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, ये कठोर होती है, इसलिए ये ज्यादा कठोर होती है। और सेल्यूलोज जहां पाया जाएगा वो पतली होगी, परमिएबिलिटी वहां पर देखने को मिलेगी, यहां पर आपकी परमिएबिलिटी थोड़ा सा बिल्कुल कम होने लगेगी। समझ में आना, ये किसमें आपकी सब में तो पाई जाती है, लेकिन किसमें नहीं पाई जाती है, जो आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू जानते हो आप लोग, विभोज्य ऊतक, ऊतक, ऐसे ये ऊतक, प्लांट, प्लांट सेल बता रहे हैं तो यहाँ हम प्लांट की ही बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे। ऐसे ऊतक जहां की सेल लगातार विभाजित होती रहती है, ऐसे ऊतक जहां की सेल लगातार विभाजित होते रहते हैं, उन ऊतक को ही हम विभोज्योति ऊतक या कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट द ऑल टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है ना। सभी ऐसे टिश्यू जिनमें हमेशा लगातार सेल डिवीजन होता रहता है उसे हम बोलते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। कहां होगा ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू मालूम है, जैसे ये रूट में भी होगा, ये स्टेम में भी होगा, ये लीफ में भी होगा, ये फ्रूट में भी होगा। समझ में है ना, एक जड़ लगा दो, छोटी सी जड़, देखो पूरा जाल नेट बन जाएगा नीचे आपका। स्टेम पतला सा एक पेड़ देखोगे और धीरे धीरे वो कितना मोटा होता जाता है, तो वहां पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, सेल बढ़ रही है, इसलिए वहां पर जो सेल का ग्रुप है वो कौन सा है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। समझ में है ना, तो मेरिस्टमैटिक, और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसमें फिर विभाजन नहीं होता है। तो परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ते हैं आपका जैसे जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में तो जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये नाम सुने हैं नहीं सुने हैं, ये प्लांट टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है ना, प्लांट टिश्यू होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है जो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ नहीं पाई जाती, तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू में नहीं पाई जाती, बोले तो रूट, स्टेम और लीफ में नहीं होती है, जहां सेल का विभाजन होना है वहां पर ये सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी। समझ में आ गया ना, तो यहां लिख सकते हो आप एब्सेंट, एब्सेंट द, एब्सेंट द मेरिस्टमैटिक, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू में नहीं होती है, ठीक है ना, ये लेयर सेकेंडरी लेयर मेरिस्टमैटिक टिश्यू में नहीं होती। ये टिश्यू जब पढ़ाएंगे तो वहां और अभी हम क्लियर करेंगे, अभी केवल नाम बस बता दिया है कि मेरिस्टमैटिक को हिंदी में विभोज्योति ऊतक बोलते, तो विभोज्योति की ऊतकों में दूसरी परत सेल वॉल की नहीं होती है, ठीक है। जो आपकी ग्रीन कलर बनाई है जिसे हम टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड जाइलिन, जाइलिन, जाइलिन भी आपका कठोर पदार्थ होता है, जाइलिन, हेमी सेल्यूलोज और जाइलिन, जैसे क्यूटिन, पेक्टिन, सुबेरिन, ये भी बताया ना मैंने जो कठोर बनाता है, ठीक है ना, तो ये आपका कठोर पदार्थ होता है। और एक काइटिन जो आपने पूछा है, जो काइटिन है वो एक तरह से आपका यही हार्ड पार्ट है जो कि आपका इंसेक्ट वगैरह में भी आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो उसके अपेंडिज वगैरह होते हैं, तो
कार्टिलेजनस पार्ट आपका कठोर पार्ट आपका काइटिन वहां पाया जाता है, समझ में है ना। तो ये तो यहाँ पर सेमी सेल्यूलोज की बनी होती है ये ग्रीन वाली, और जाइलिन, जाइलिन भी कठोर पदार्थ होता है। ये लेयर केवल किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी जाइलम टिश्यू जो होता है, जाइलम के ट्रैकीट सेल में, जाइलम जाइलम ट्रैकीट्स, जाइलम ट्रैकीट्स में ओनली पाया जाता है, जाइलम ट्रैकीट्स में टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है। अब ये आप लिख लीजिए, अभी आपको जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ज्यादातर यही सब जगह पाई जाती है, जो सेकेंडरी और टर्सरी का नाम आता है ये कुछ कुछ में पाई जाती है, हर हर प्लांट सेल में या हर बैक्टीरिया सेल में आपकी सेकेंडरी और टर्सरी हो ऐसा नहीं है, समझ में आ गया ना। क्या प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ये आपकी अभी ये तो सेल वॉल हो गई प्लांट की, फिर ये इन इन तीनों को इकट्ठा ऐसे मिला दें तो ये आपकी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई पूरी। इसके नीचे आपकी जो सेकेंड लेयर आएगी तो सेकेंड लेयर को हम क्या बोलेंगे, ये अब आपकी सेकेंड लेयर जो आएगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन की, समझ में ना। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो तीन बताई है मैंने ये तीन आपकी सेल वॉल, तीन टाइप की, जैसे आपका है टाइप ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल कितने प्रकार की होती है, तो सेल वॉल तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल ज्यादातर सभी में आपका, जैसे सभी का मतलब आपका एनिमल में नहीं, सभी का मतलब प्लांट में और आपका बैक्टीरिया में और आपका फंगस में, ठीक है ना। तो इनमें तीन में जहां सेल वॉल की पाई जाने की संभावना है तो प्राइमरी ही सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है। जो सेकेंडरी है वो आपका परमानेंट टिश्यू में पाई जाती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में नहीं होता, और जो टर्सरी है ये केवल जाइलम में पाया जाता है, ये जाइलम की ट्रैकीट सेल जो होती है वहां पर पाया जाता है, समझ में आ गया। तो प्राइमरी आपकी ज्यादा कैसी है, सब जगह आपकी पाई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहां पर हटा दें इसे, तो यहां आपकी जो हेडिंग आप डाल सकते हो, यहां ये डाल सकते हो टाइप ऑफ सेल वॉल। तो टाइप ऑफ सेल वॉल को यहां मैंने क्लियर कर दिया है कि तीन टाइप की है, कितने टाइप की है, तीन टाइप की, तीन टाइप की सेल वॉल होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये लिखेंगे हम प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और आपकी टर्सरी, टर्सरी सेल वॉल, जो आपके डायग्राम के थ्रू मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बता रहे हैं, अभी जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला अभी आप बिल्कुल इसको हटा दीजिए, वो तो आपने पूछा इसलिए आपको यहां पर मैंने बता दिया है। बाकी अभी हम केवल क्या बता रहे हैं, अभी केवल हम आपको बता रहे हैं सेल वॉल के बारे में, किसके बारे में, सेल वॉल, सेल वॉल का अभी हम डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सेल वॉल के बारे में हम ये बता रहे हैं, क्लियर, इसे बना लेना। नेक्स्ट देखना, ये हो गया। अब देखना जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में ये जैसे आपने कभी स्लाइड बनाई हो, ऑनियन स्लाइड कभी स्कूल उसमें बनाया है आपने, कभी स्कूल स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह करवाया हो तो आपको बनवाया गया हो, बनाया किसी ने स्लाइड बनाया है, उसमें आपका प्याज को छील करके जो सफेद आपकी लेयर होती है उसमें स्लाइड में लेकर के फिर उसमें हम आयोडीन या आपका कोई भी कलराइज्ड पिगमेंट डाल करके और क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको कैसे दिखते हैं, ऐसे ब्रिक्स लाइक कैसे दिखती हैं, ऐसे आपकी, ये आपकी ऐसे दिखेंगी, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर क्या होती है, मैनी सेल्स होती हैं, इसलिए आपकी ऐसे ये ब्रिक्स शेप में दिखती है, ऐसे आपका ये इतना बस आपको स्लाइड में दिखेगा, ऐसे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, दिखा है ना, ऐसा याद आया कुछ। लेकिन यदि सिंगल सेल को देखा जाए तो हेक्सागोनल होती है, सिंगल सेल देखना थोड़ा सा टफ होता है। अब देखना यहां पर मैंने बताया कि जैसे ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल और ये आपकी ऐसे, तो दूसरी प्लांट सेल भी इसी से ऐसे आपकी अटैच होती है, ये ऐसे, ये आपकी ऐसे, ये ऐसे, जैसे बहुत सारी सेल है यहीं पर समझ लो कि जैसे ये सेल है, ये सेल
और आपकी ये सेल, ये दोनों सेल ये देखो इस यहाँ पर अटैच है, जुड़ी है ना, ये सेल इससे जुड़ी हुई है, तो कहां पर ये सेल भी आपकी यहां पर जुड़ी हुई, मतलब कोई भी सेल दूसरी सेल से, जैसे ये सेल से कहां पर जुड़ी हुई है, इस वाले भाग में जुड़ी हुई है, किस वाले भाग में, इस वाले भाग में, ये यहां पर ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। आपकी ये सेल इस सेल से कहां जुड़ी हुई है, ऐसे, अभी यहां से फिर ये दूसरी आप बना दो तो आपकी ऐसे ये सेल क्या होती जाएंगी, ऐसे अटैच होती जाएंगी, तो दो सेल जहां पर, दो प्लांट सेल जिस आपके एरिया में जुड़ती हैं, ये वाला ये पार्ट कहलाता है मिडिल लैमिला। क्वेश्चन आता है मिडिल लैमिला क्या है, मध्य पटलिका क्या है, ठीक है ना, ये कहलाता है मिडिल लैमिला, इसी को हम बोलते हैं प्लांट सीमेंट, प्लांट सीमेंट। ये जहां पर एक सेल दूसरी सेल से जिस भाग से जुड़ी होती, तो यहां है ना ये, बोले तो ये सेल वॉल है, ये आपकी ये एक प्लांट की ये सेल वॉल है, और यही सेल वॉल जब दूसरी प्लांट की ये सेल वॉल से जब आपकी ये जुड़ेगी, ऐसे जुड़ेगी, तो ये सेल वॉल आपकी हार्ड होती है, यह डेड बताई गई है मैंने, और जब एक दूसरे से आपस में ऐसे जुड़ जाएगी तो ये और ज्यादा मोटी हो जाती है, क्या हो जाती है, और ज्यादा मोटी हो जाती, मजबूत हो जाती, जैसे ईंट और ईंट, वैसे ही सॉलिड चीज है और ईंट के बीच में सीमेंट लगा दो तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी ना, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट सीमेंट। क्वेश्चन आए कि प्लांट सीमेंट क्या है, तो प्लांट सीमेंट कहलाता है, इसी को हम नाम देते हैं मिडिल लैमिला। हिंदी में बोलते हैं मध्य पटलिका, हिंदी में लिख सकते हो मध्य पटलिका, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है ये मिडिल लैमिला। दो प्लांट सेल आपके जिस सेल जहां पर जुड़ती हैं, तो उस सेल वॉल के उस भाग को हम मिडिल लैमिला कहते हैं। मिडिल लैमिला क्यों मजबूत होता है, क्योंकि मिडिल लैमिला में पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन और आपका मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना, Mg++ और Ca++, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन पैक्टेट, इसे हम कैल्शियम मैग्नीशियम आयन या दोनों को कॉमन रूप से इस तरह से पैक्टेट भी बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन या पैक्टेट। मिडिल लैमिला किसका बना होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम, आपको पता है ना कैल्शियम कितना हार्ड होता है, हमारी बोन में कैल्शियम ही तो होता है, हमारे दांतों में कैल्शियम ही तो होता है, जिसकी वजह से ये आपका क्या होता है, स्ट्रांग होता है, यदि कैल्शियम की कमी होने लगे तो बोन लूज होने लगती है, वैसे ही ये मिडिल लैमिला को भी मजबूत किए हुए है क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम, समझ में है ना। ये एक समय तक तो इसकी मात्रा, जैसे जब कोई यंग बॉडी होती है तो उसमें की बोन में क्या होता है आपका, कैल्शियम अच्छा होता है, बोन हमारी मजबूत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारा कैल्शियम क्या होने लगता है, कम होने लगता है। सेम इसी तरह प्लांट में भी, प्लांट की सेल जो आपकी जुड़ी हुई है, जब आपका यंग सेल्स होती हैं तो वहां कैल्शियम मैग्नीशियम आपका अच्छा होता है, लेकिन एक समय के बाद फिर वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे आप कच्चे फलों को देखो, कच्चे फल जो होते हैं वो टाइट होते हैं कि नहीं होते हैं, कच्चा आम अभी देखा होगा आपने, कच्चा आम देखो टाइट है, क्यों टाइट है, क्योंकि उनकी सेल्स में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट प्रेजेंट है, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो फ्रूट आपके जूसी होते जाते हैं, फल रसीले क्यों हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है फल रसीले या फल पिलपिले क्यों हो जाते हैं, समझ में है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फल कठोर क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम सबसे अधिक होता है, समझ में आ गया, ये चीज आपका यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना, मिडिल लैमिला को, प्लांट का मिडिल लैमिला, समझ में आ गया। चलिए अब देखना, जो सेल वॉल मटेरियल होता है, सेल वॉल किसकी किसकी बनी होती है, इसको हम बताते हैं, सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल या पदार्थ, सेल वॉल किस किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है ना, मटेरियल का बना होता है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा तो इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज, जैसे बताया था मैंने 80% आपका सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। फिर आपका सेकंड में आपका क्या होता है,
हेमी सेल्यूलोज, ये थोड़ा सा कठोर होने लगता है, मोटा होने लगता है, हेमी सेल्यूलोज। थर्ड है आपका पैक्टिन, पैक्टिन। फोर्थ है आपका लिग्निन, लिग्निन। फिफ्थ है आपका क्यूटिन। सिक्स्थ है आपका सुबेरिन। यहीं तक आपके अभी सेवन में क्या बताया है, जाइलिन। ये ठीक है ना, ये इतना पदार्थ क्या है हिंदी में सेल्यूलोज को, तो देखो ये कार्बनिक पदार्थ कहलाता है, एक बहुलक है ये, कई ग्लूकोज के अणु जब आपस में मिलते हैं तो आपका वो सेल्यूलोज बन, सेल्यूलोज एक बहुलक कहलाता है, इसके नाम यही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलोगे आप, कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे, ठीक है ना, सरकरा इस तरह। तो आप इसको यही लिखोगे हिंदी में, भले आप ऐसे लिख लीजिए सेल्यूलोज, इस तरह हिंदी में करके सेल्यू, ये आपका सेल्यूलोज इस तरह करके आप लिख लीजिए, लेकिन इसका नाम जो होगा, टर्म्स जो होंगे वो यही रहेंगे, ठीक है। जिसमें से मैंने बताया कि सेल्यूलोज की जो परत होती है वो कैसी होती, पतली होती है। जहां भी सेल्यूलोज होगा वहां से, जैसे ये सबसे पहले ये सेल्यूलोज आपका ये बना, ये सेल्यूलोज की लेयर है आपकी, ये सेल्यूलोज की लेयर है, ठीक है, सब जगह सेल्यूलोज है। लेकिन सेल्यूलोज के अलावा ये कठोर पदार्थ भी पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका ये हार्ड, हार्ड पार्ट आपका बीच बीच में आपका ये जमा होगा, समझिएगा इसे। ये देखो ये क्यूटिन सुवेरिन जैसे आपका ये जम रहा है, ये बीच बीच में छोड़ छोड़ करके जमता है ये ऐसे, ये हार्ड मटेरियल है। ये हार्ड मटेरियल जहां जहां आपका होगा वहां से आना जाना पदार्थ का क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये ऐसे ये आपका हार्ड मटेरियल जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ही हम सेल वॉल को डेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेड कहते हैं। अब जो आपका ये पार्ट आपके ये छूटे हुए हैं, ये आपके जहां ग्रीन ग्रीन है आपका बना हुआ है, ये आपके जो पिट, ऐसे ये पिट बनते हैं, ऐसे गड्ढे से ऐसे बने होते हैं, ये ऐसे अंदर ये गड्ढे नुमा ऐसे बन जाते हैं पिट, जिन्हें हम गर्त कहते हैं। तो इन गर्तों से ही आपका ये चूंकि पतली होती है, यहीं से आपका मटेरियल आपका अंदर जा सकता है, बोले तो पानी हवा खाना जो भी है वो यहां से जा सकता है। इसीलिए सेल वॉल परमिएबल है, सेल वॉल क्या है, पारगम, सेल वॉल के अंदर जाता भी है पदार्थ, तो पारगम है। और जहां आपका ये क्यूटिन सुवेरिन पैक्टिन ये जमा है, ये इसने क्या कर दिया, बिल्कुल इसको हार्ड कर दिया, यहां से पदार्थ ना तो अंदर जाएगा और ना अंदर का पदार्थ आपका बाहर निकलेगा। तो इसलिए जहां सेल वॉल के जिस भाग से आना जाना रुक गया तो वो क्या कहला गया, डेड पार्ट हो गया। समझ में आया ना, ठीक है। तो इसलिए सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, डेड एंड परमिएबल, क्लियर है। तो ये देखना सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, ये आपका लिग्निन, इनका फॉर्मेशन कौन करता है, ये जो है इनका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। लेकिन जो क्यूटिन सुवेरिन वगैरह हैं, जाइलिन वगैरह हैं, इनका निर्माण आपकी कौन करती है आपकी स्फीरोसोम, माइक्रो बॉडीज कहलाती है, ठीक है। आपने अभी ये लिखा है सेल वॉल मटेरियल, लिख लिया ना सेल वॉल मटेरियल। अब देखना ये जो मैंने नाम लिखवाए हैं, ये ध्यान रखना, देखना इधर थोड़ा, सभी ध्यान देना, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन, इतने का निर्माण होता है किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा। गोल्जी बॉडी सेल वॉल के पदार्थ का निर्माण करती, इसलिए बोला जाता है कि गोल्जी बॉडी सेल वॉल का निर्माण करती। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, ठीक है ना। इन पदार्थों का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती। गोल्जी बॉडी के कई नाम है, ठीक है ना। अब ये क्यूटिन सुवेरिन और जो आपके ये तीन आपके बताए हैं, इनका फॉर्मेशन कौन करती, स्फीरोसोम। स्फीरोसोम क्या कहलाती है, माइक्रो बॉडीज कहलाती, प्लांट की माइक्रो बॉडीज। एक प्लांट सेल में ऐसे बनाए थे ना अनियमित आकार की ऐसी संरचनाएं, कुछ ट्यूब आकार की ऐसी, तो इनको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। तो प्लांट की माइक्रो बॉडीज द्वारा, प्लांट की माइक्रो बॉडीज को नाम दिया जाता है स्फीरोसोम। तो क्यूटिन सुवेरिन और जाइलिन का निर्माण जो होता है वो आपका किसके द्वारा होता है,
स्फीरोसोम के द्वारा, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो क्यूटिन, जहां पर क्यूटिन जमा होता है उसे हम बोलते हैं क्यूटिनाइजेशन, जहां पर सुबेरिन जमा होता है उसे हम बोलते हैं सुबेराइजेशन। कहां देखने को मिलता है क्यूटिन और सुबेरिन? जैसे आप देखो ये है आपकी पत्ती, ये आपकी क्या है, ये पत्ती लीफ है, लीफ का ये किनारा पार्ट है, ठीक है ना, ये लैमिला कहलाता है। तो ये आपका मोटा होता है थोड़ी किनारा, तो इस किनारे में आपने देखा होगा कि पानी किनारे से कभी आर पार नहीं होता है, ये पार्ट आपका मोटा होता है। क्यों? क्योंकि सुबेरिन यहाँ जमा हो जाता है, सुबेराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पत्ती के किनारे भाग से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, वेपोराइजेशन जिसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो कभी भी पत्ती के किनारे से वेपोराइजेशन नहीं होता, पत्ती के बीचों बीच जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो करते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किनारे में सुबेरिन जमा हो गया जिसकी वजह से अंदर का मटेरियल बाहर निकल ही नहीं सकता, समझ में है ना। इसी तरह आपका ये सुबेरिन आपका इंडोडर्मिस जो होती है, जब हम टीएस काटते हैं रूट स्टेम की तो इंडोडर्मिस आपका आएगा, तो इंडोडर्मिस में भी आपका ये सुबेरिन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंडोडर्मिस भी आपका मटेरियल का ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं होती, समझ में आ गया ना, ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे देखिए, ये ध्यान रखना आप। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल फंक्शन। सेल वॉल फंक्शन आपको मालूम है, सबसे पहले ये क्या बनाती है, फ्रेम, फ्रेम बोल सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम ऑफ प्लांट बॉडी, समझ में ना। एक प्लांट, प्लांट बॉडी ना लिख करके प्लांट सेल लिख लें, कि प्लांट सेल का जो आउटर फ्रेम या प्लांट सेल का स्केलेटल सिस्टम बनाती है कौन, सेल वॉल, ठीक है ना। या शेप, डायरेक्ट यदि ये सब नहीं आता तो लिखना ये शेप, शेप ये फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल शेप करती है ये, ठीक है ना, शेप प्रोवाइड करती है ये, शेप प्रोवाइड, शेप प्रोवाइड इन प्लांट, इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये क्या करती है, सेल प्रोवाइड करती है, सेल का आकार बनाती है, समझ में है ना। सेकेंड आपको पता है, सेकेंड क्या करती है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बोले तो सुरक्षा, ये सेल मेम्ब्रेन की, और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ आपके जो इंटरनल मटेरियल साइटोप्लाज्म का होता है, तो ये उसकी प्रोटेक्शन करती, सुरक्षा करने का कार्य करती है, समझ में आ गया। अब देखो थर्ड क्या करती है, ये अटैचमेंट का भी वर्क करती है, जैसे बैक्टीरिया में मैंने बताया था ना कि बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से अटैच हो जाती है, या रिप्रोडक्शन में भी दो बैक्टीरिया जब अटैच होते हैं तो वहां पर सेल वॉल में ही फिम्बरी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल यदि ना हो तो फिम्बरी ना मिले, तो किसी भी सरफेस से आपका अटैच होने में भी ये हेल्प करती है, तो अटैचमेंट भी आपका लिख सकते हो, क्योंकि सेल वॉल में ही आपके फिम्बरी पाए जाते हैं, ठीक है, लिखना हो लिखिए इसको, यदि स्किप करना है तो कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आप मूविंग का भी वर्क करती, बैक्टीरिया को मैंने बताया था कि बैक्टीरिया सरफेस के द्वारा भी क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, जैसे जो जलीय बैक्टीरिया हैं वो तो आपके क्या करते हैं, फ्लैजिला के द्वारा गति करते हैं, लेकिन जैसे सॉइल बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, उनमें गति किसके द्वारा होती है, आपकी सेल वॉल के द्वारा, ठीक है ना। ये ग्लाइंडिंग, 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 ग्लाइंडिंग आपकी वही कहलाती मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, ग्लाइंडिंग का वर्क करती है, ग्लाइंडिंग कहलाती सरकना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह में सरकना कहलाता है ग्लाइंडिंग, ठीक है ना। मूवमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मूवमेंट, गति करने का कार्य भी होता है सेल वॉल के द्वारा, समझ में आ गया ना। ट्रांसपोर्टेशन, यहां भी पदार्थ जो आपके पिट द्वारा जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रही है ये, ठीक है। हाँ, सेल वॉल के जो सेल्यूलोज वाली परत है वहां से आपका निकलेगा, तब तो सेल मेम्ब्रेन तक जा पाएगा, और फिर सेल मेम्ब्रेन और आगे ट्रांसफर, सेल मेम्ब्रेन में भी हम बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यदि हर जगह सुबेरिन जमा हो जाए तो पता चलेगा बाहर से कुछ सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, समझ, लॉक हो जाएगी पूरी,
तो इस तरह से यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन भी इसको बता देते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये आपकी यहाँ हुई है आपकी सेल वॉल फिनिश, ठीक है। सेल वॉल का जो फॉर्मेशन, सेल वॉल में जो फाइबर, जैसे सेल्यूलोज है ना, ये पहले मैंने बताया आपका ये सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज में जो रेशे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज आपकी एक ऐसी लेयर होती है, परत होती है। इन परतों के मिलने से कई आपके फाइबर का निर्माण होता है। उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइब्रिल और मैक्रो फाइब्रिल। जैसे ही आए कि माइक्रोफाइब्रिल और मैक्रोफाइब्रिल क्या है, सूक्ष्म तंतु और दीर्घ तंतु जो होते हैं ये सेल्यूलोज से ही बनते हैं। सेल्यूलोज के मिलने से माइक्रोफाइब्रिल पहले बनेंगे और फिर माइक्रोफाइब्रिल मैक्रोफाइब्रिल में बताता है। ये देखिए, जैसे ये सेल्यूलोज है ना, तो सेल्यूलोज की ऐसी परत बाई परत आपकी ऐसी जब मिलती जाएगी तो कई परत आपकी 20 से 100 परतें मिलकर के बनती हैं। पहले माइसिली क्या बनाती हैं? माइसिली। फिर आपकी 20 माइसिली बनाती हैं वन माइक्रोफाइब्रिल और 100 माइक्रोफाइब्रिल जब आपके मिलते हैं तो मैक्रोफाइब्रिल, एक मैक्रोफाइब्रिल बनता है। जैसे आ जाए कि ये तंतु क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सेल्यूलोज में ही आपके होते हैं, ये सेल्यूलोज से ही निर्मित होते हैं मैक्रोफाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल। तो सेल्यूलोज है ना, मैंने बताया सेल वॉल के निर्माण में सेल्यूलोज तो पाया ही जाएगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज ही होता है। बाकी जो 20% आपका रहता है, 20% पार्ट में आपका ये बटा होता है हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुवेरिन, ये सबसे ज्यादा सेल वॉल में आपका क्या होता है? सेल्यूलोज ही पाया जाता है, ठीक है। पहले सेल्यूलोज की ही आपकी ऐसे चारों तरफ से आपकी परत पाई जाएगी, फिर सेल्यूलोज की परत में जमा होगा थोड़ा थोड़ा पार्ट में आपका क्यूटिन, सुवेरिन, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सब। पहले जो शेप हम बनाते हैं सेल वॉल का, वो सेल्यूलोज से ही बनाते हैं। ये देखो, ये पूरा आपका सेल्यूलोज ही बनाया है मैंने, तो ये सेल्यूलोज लगभग कितना है आपका? 80%। अब जो 20% मैंने बताया है वो आपका क्या है? हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, सुवेरिन, क्यूटिन, जाइलिन, तो ये आपका ऐसे बीच बीच में आपका ऐसे ये जमा होगा, कुछ कुछ जगह छोड़ करके ये आपका ऐसे जमा होगा, तो इसकी अमाउंट कम होती, पर होती है, क्योंकि यही तो हार्ड करेगा, यही तो डेड बनाएगा आपका सेल वॉल को। यदि ये नहीं होगा तो सेल वॉल तो फिर लिविंग में आ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर। आगे चले। यहाँ पर आपकी सेल वॉल मैंने फिनिश की आपकी, ठीक है। काफी इंट्रोडक्शन दे दिया आपका सेल वॉल को, समझ में आ गया कि डिस्कवरी क्या है, सेल वॉल क्या है, कितने टाइप की है, ठीक है ना, और आपका कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सा पदार्थ किससे निर्मित होता है, ठीक है, और प्लांट सीमेंट, सबसे ध्यान रखना प्लांट सीमेंट। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, फल रसीले क्यों हो जाते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के कम हो जाने से, एक समय तक बना रहता है वो, तब तक वो कठोर रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर वो कम जाता है, जिसकी वजह से वो आपका रसीले हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट सेल बाउंड्री हो गई, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटरेस्ट से आप लोग पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। ये आपका मतलब बेस है, इसलिए ये सब चीजें बताना जरूरी है। हम बड़ी चीजों में एकदम से इसलिए छलांग नहीं लगा रहे, क्योंकि यदि ये चीज नहीं बनेंगी तो आपसे ना टिश्यू ना ऑर्गेन आपको समझ में आएंगे। तो ये चीज बिल्कुल बेस है, इसलिए ये चीज आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं हमेशा यदि कहीं से भी स्टार्ट करती हूँ तो बेस से ही स्टार्ट करती हूँ, इसलिए आपको भी मैंने बेस से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपके यूनिवर्सल मेम्ब्रेन के नाम से जाने, इसके नेम मैंने बताए थे कल की क्लास में, मैंने इसके अदर नेम भी बताए थे, क्या क्या बोलते हैं बताइए एक बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, वेरी गुड, ठीक है ना। इसके चार नेम हैं जो कल की क्लास में बता दिए हैं, आपको ये एक नेम डाल करके लिख सकते हैं। ये आपकी कैसी होती है? यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है। इट इज अ यूनिवर्सल
मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये बोले तो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि सभी जगह है ये आपका, जितने भी आपके पांच किंगडम है, पांच किंगडम के जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी की सेल में आपकी ये मेम्ब्रेन आपकी पाई जाती है। सो इसीलिए हम सर्वव्यापी कोशिका झिल्ली कहते हैं, सब जगह है आपकी पाई जाती है। समझ में आ गया? ये नेचर में कैसी होती है? ये लिविंग 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 होती है, जीवित झिल्ली कहलाती, लिविंग मेम्ब्रेन कही जाती है, लिविंग लिविंग मेम्ब्रेन होती है, लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है, जीवित झिल्ली कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि जीवित पदार्थ से बनी है, ठीक है। ये आपके तीन टाइप का नेचर दिखाती है आपकी, किस तरह का? थ्री टाइप का। एक तो कहीं कहीं पर ये परमिएबल भी होती है, मतलब कोई भी चीज अंदर बाहर इसके जा सकते हैं, जैसे कोई भी सूक्ष्म ऑर्गेन होते हैं, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आपके, अमीबा पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं। तो जैसे देखो ये आपका यहाँ पर ये मैंने बताया आपका, जैसे ये आपका पैरामीशियम, ये बनाया मैंने पैरामीशियम, ये इसकी ओरल कैविटी होती है, ये स्लीपर शेप इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें आपके ये यूनिसेलुलर है आपका, जल में आपका पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल है आपका, और ये इसमें टू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हर सेल में वन न्यूक्लियस पढ़ा है हमने, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम में ही दो न्यूक्लियस है, एक को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, एक को मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ में ना, दोनों के फंक्शन अलग अलग है, बताएंगे। तो यहां देखना, ये है इसका ओरल पार्ट। क्या है? ओरल, बोले तो मुख, मुख पार्ट। तो यहीं से वॉटर करंट आपकी क्या होती है? अंदर आती है। और इस वॉटर करंट के साथ साथ में आपका बोले तो हार्मफुल और यूजफुल, ठीक है ना, दोनों, मतलब इसमें फूड पार्टिकल भी आएगा और कुछ आपका जो अनवांटेड चीज होगी वो भी आपकी आ जाएगी, जो इसके योग्य नहीं होगी, जो जो फिर इसे अपनी सीलिया के थ्रू बॉडी सरफेस से बाहर कर देता है। तो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो हर मटेरियल को अपने अंदर कर लेती है और हर मटेरियल को अपने बाहर कर देती है, वो आपकी पारगम्य कहलाती है, ठीक है। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर के उपयोगी और आपका अनुपयोगी हर चीज, जैसे ये पत्थर है, स्टोन है, ये पत्थर। अब पत्थर तो सेल के लिए जरूरी नहीं है, और ये आपका पानी, ये प्रोटीन के फाइबर्स हैं, ये तो उपयोगी है, ये चले गए, लेकिन ये भी चले गए आपके, ठीक है। हाँ, तो ऐसी झिल्ली जिससे उपयोगी और अनुपयोगी हर चीज आपका आर पार हो सकता है, उसे हम बोलते हैं पारगम्य झिल्ली, बोले तो परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल भी होती है। हम लोगों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती वो कैसी होती है? कल बताया था मैंने, हाँ, हम लोगों की कोशिका झिल्ली कैसी होती है? सेमी सेमी परमिएबल, क्योंकि हमारी जो सेल है, हमारी सेल में हर मटेरियल अंदर नहीं जा सकता और हर मटेरियल बाहर नहीं निकल सकता, केवल उपयोगी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ठीक है ना, ये सभी चीज अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा अमोन, जैसे आपका ये यूरिया वगैरह, यूरिया है, ये यूरिया NH2CO लिखा है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर अनडाइजेस्टेड जो आपका आइटम होगा वो आपका बाहर निकलेगा, हर चीज बाहर नहीं निकल सकता। समझ में आया ना? तो इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव, सिलेक्टिव या आपका सेमी सिलेक्टिव या सेमी परमिएबल, मतलब ऐसी कोशिका झिल्ली जिससे होकर के कुछ चीज अंदर जाए और कुछ ही चीज क्या होकर के बाहर आए, उपयोगी चीजें ही अंदर जाए और अनुपयोगी चीजें ही बाहर निकले, ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। समझ में आया ना? और एक ऐसी भी झिल्ली होती है कि कभी कभी इस प्लाज्मा झिल्ली से ना तो कुछ अंदर जाता है और ना ही कुछ बाहर निकलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इम्परमिएबल। क्या बोलते हैं? इम्परमिएबल। ये भी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह में आपकी पाई जाती है। समझ में आ गई ना? तो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है, ये लिविंग होती है एंड कैसी होती है? ये परमिएबल 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 इम्परमिएबल इम्परमिएबल एंड सेमी परमिएबल एंड सेमी सेमी परमिएबल। हमें ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो हमें इससे मतलब है,
हम प्लांट और एनिमल पढ़ रहे हैं ना यूकैरियोटिक सेल में, तो हमें इससे मतलब है। तो सेमी परमिएबल प्लांट की और हमारी या कि और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें आपकी कौन सी पाई जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो आपको ये पता हो गया कि लिविंग सेल है और हमारी सेल जो है वो सेमी परमिएबल है। समझ में है ना? एक हायर ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फिश हो, कोई भी आपका जिसमें सेल की नंबर ज्यादा होती है उसकी सेल आपकी कैसी रहेगी, सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कई मॉडल है, कई साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्टसन आते हैं, डेनियल डेप्सन आते हैं, आपका सिंगर निकोलसन आते हैं, ये सब इन्होंने अपने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग आपका बताया जो आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए कौन किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बताया है मैंने किसकी बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिविंग क्यों बोला है, क्योंकि वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड, लिक्विड नहीं, लिपिड, लिपिड, ठीक, वसीय पदार्थ, प्रोटीन और वसीय पदार्थ से। सो मटेरियल ऑफ किसकी बनी होती है, जैसे क्वेश्चन ये बिल्कुल आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, विच मटेरियल प्रिपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करता है या तैयार करता है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, लिपोप्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड बाई लिपोप्रोटीन, किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। तो ये लिखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। ये लिख लीजिए लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे होता है, लिपोप्रोटीन से होता है। यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके थ्रू होता है, लिपोप्रोटीन के थ्रू होता है। यदि ऑप्शन में लिपोप्रोटीन ना मिले तो ऑब्लिक करके ऐसा भी मिलेगा पीएलपी, ये ब्रैकेट है पीएलपी, पी का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन, एल का मतलब लिपिड और फिर पी का मतलब आपका प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन दो बार है और लिपिड एक बार है, सो लिपो प्रोटीन बोला गया, इसलिए ये लिपो प्रोटीन। समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आपकी 75 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन जो आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी 75 से कम भी होती है। तो थिकनेस आपकी हम लिखेंगे 60 से 75 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लांट की और हमारी जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं उसकी ये होती है, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह में थोड़ी मोटाई कम होती है। ठीक है, तो ऐसे दो में यदि लिखा रहे, दो दो डिजिट दे करके, तो 60 to 75 एंगस्ट्रॉम, और नहीं तो दो में नहीं होगा तो खाली आपका 75 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो निर्माण हुआ है ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से, वो किस किस साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है मॉडल एंग्रस्टांग, ये यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट कहलाती है, ये ए के ऊपर ऐसे डिग्री लगा देना, एंग्रस्टांग पढ़ते फिजिक्स वगैरह में यूनिट पढ़ते होगे आप। ठीक है, तो एंग्रस्टांग बोलते इसे। ठीक है, क्या हो गया, फिजिक्स नहीं पढ़ते, अच्छा ठीक है। ये देखो मॉडल ऑफ प्लाज्मा, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट लिखना सैंडविच मॉडल, या इसी को ट्राई लेमिलर मॉडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राई लेमिलर मॉडल, ट्राई लेमिलर मॉडल या सैंडविच मॉडल।
हाँ, सैंडविच का नाम देखे नाम सुनते ही आप लोगों को हंसी आ गई है ना इसे सैंडविच, क्योंकि रोज खाते हो सैंडविच, है ना, तो सैंडविच मॉडल भी इसे बोला जाता है। खाते हो ना सैंडविच, खाई है ना सैंडविच सबने, कैसी बनी होती है सैंडविच, कैसी बनती है? हाँ हाँ, बोले तो ब्रेड, ब्रेड बोले तो फर्स्ट प्रोटीन, ठीक है, फिर सब्जी तो बोले लिपिड, और फिर उसके ऊपर ब्रेड तो फिर प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ठीक है, इसलिए इसे ट्राई, तीन तीन परतें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे हमने ट्राई लेमिलर मॉडल, इस मॉडल को 1935 में किसने दिया है, डेप्सन एंड डेनियली ने, डेप्सन ये है आपके, डेप्सन ये वैज्ञानिक नेम है, डेप्सन एंड डेनियली एंड डेप्सन भी बोलते हैं इसे, डेनियली एंड डेप्सन ये वैज्ञानिक नाम है, डेनियली डेप्सन ने सैंडविच मॉडल दिया है, कब दिया है, 1935 में डेनियली डेप्सन मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया गया, और बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन परतों से बनी है, ट्राइलेमिलर है, ट्राइलेमिलर का मतलब तीन परत वाला, ठीक है। चलिए देखना कैसे, जैसे ये सबसे पहले ये आपकी आउटर प्रोटीन लेयर, ये आपकी इनर प्रोटीन लेयर, और बीच में आपकी ये लिपिड लेयर, बीच में आपकी ये लिपिड लेयर हो गई, ये होती है आपकी लिपिड लेयर, ऐसे, ठीक है, ये इसमें ऐसे दो सिरे होते हैं, ये लिपिड अणु है, ये दो सिरे होते हैं, ये एक जो ऐसे आपका टेंट नुमा ऐसे बनाया ना, ये ऐसे ये लिपिड है, एक लिपिड अणु है, लेकिन बीच से ये थोड़ी छोटा हुआ होता है, इसके सिरे, एक सिरा ये होता है और ये एक सिरा ये होता है ऐसे, ये तो ये लिपिड के जो आपके रेसे होते हैं वो इस तरह आपके पाए जाते हैं, ठीक है, ये रेसे के कारण इसमें दो सिरे होते हैं, दो एंड होते हैं, ठीक है, ऐसे ये 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 इसको थोड़ी और ऊपर से करना था, ये ऐसे, और हर लिपिड के बीच बीच में एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसे हम बोलेंगे आउटर प्रोटीन लेयर, जो पिंक कलर की बनी है इसे हम बोलेंगे आउटर प्रोटीन लेयर, आउटर प्रोटीन लेयर, इसकी मोटाई कितनी होगी आउटर प्रोटीन लेयर की, 20 एंग्स्ट्रांग, जो इनर प्रोटीन लेयर है ये भी आपकी 20 एंग्स्ट्रांग, और बीच में जो आपका लिपिड ये ग्रीन आपके भरे हैं इनकी मोटाई होती है कितनी, 35 एंग्स्ट्रांग, सबको मिलाओ कितना हो गया, 75, ये हो जाएगी आउटर प्रोटीन लेयर, ये हो जाएगी आपकी इनर प्रोटीन लेयर, और ये हो जाएगा लिपिड लेयर, ठीक है। अब चूंकि लिपिड के अणु जो होते हैं वो दो सिरे वाले होते हैं, एक सिरा जो इसका प्रोटीन से जुड़ा है, आप देखना जो सिरा प्रोटीन से जुड़ा है, तो यहां भी आउटर प्रोटीन है तो ये जुड़ा है, ये वाला सिरा जो है ये प्रोटीन से जुड़ा है, ये प्रोटीन से जुड़ा है ना, यहाँ ये वाला भी सिरा प्रोटीन से जुड़ा है, लेकिन एक सिरा लिपिड के ही जस्ट आमने सामने है, ऐसे दो सिरे हैं, ये देखो ये एक प्रोटीन से जुड़ा है और दूसरा आपका लिपिड के ही सामने है कि नहीं, तो जो प्रोटीन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक सिरा, जल इसने ही जो जल में घुल जाए, हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक्स, ये क्लास आपकी एमपीपीएससी को लेकर के भी चल रही है, ठीक है ना,
ये आपका, आप लोग SI में भी कुछ हो गए, आपका MPPSC और UPPSC UPSC वगैरह, ठीक है ना, तो इन सभी को लेकर के आपकी चल रही है, इसलिए आपका ये डिटेल से चल रहा है। ठीक है, आप पढ़ते जाइए, ठीक है ना, जितना आपको, और आगे भी एग्जाम का SI का दे करके क्या MPPSC का नहीं दोगे क्या? SI बस बनना है, पढ़िए, जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये आपका हाइड्रोफिलिक, ये हो जाएगा आपका हाइड्रो हाइड्रोफोबिक दो सिरे होते हैं, लिपिड के दो सिरे होते हैं, ये देखना, एक सिरा ये और एक सिरा ये, एक को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक जो प्रोटीन से जुड़ा है, ये जल में घुलनशील होता है, और एक जो जस्ट आपका लिपिड लिपिड के सामने है जो कि जल में घुलनशील नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, और दो फास्फोलिपिड के बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल यहां लिख लोगे कोलेस्ट्रॉल ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हट गया वो, लाएं वापस लाएं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हो गया, तो देखो इसे हमने सैंडविच मॉडल क्यों कहा, क्योंकि इसमें देखो ये है आपकी एक ब्रेड और दूसरी ब्रेड, और आपका लिपिड आपका ऐसे आपका सेट है जैसे कि आपका दो ब्रेड के बीच में सब्जी को हम रख देते हैं और फिर तीनों को मिला करके खाते हैं, तो इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तीन लेयर से, एक प्रोटीन फिर लिपिड और फिर प्रोटीन, इन तीन लेयर के मिलने से आपकी जो मेम्ब्रेन बनती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, तुम तीनों मिल जाती हैं, इसीलिए हम इसे यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली भी बोलते हैं, तो इस तरह से ये सैंडविच मॉडल या ट्राई लेमिलर मॉडल भी बोला गया, त्रिस्तरीय संरचना भी बोली। ठीक है, चलिए आगे आइए, आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसे दिया है 1959 में रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने, रॉबर्टसन, ये वैज्ञानिक है रॉबर्टसन, इस मॉडल को 1959 में रॉबर्टसन वैज्ञानिक ने दिया है, और इन्होंने इसे इकाई झिल्ली इसलिए बताया क्योंकि क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेन मेम्ब्रेन जैसे ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, जैसे ये आपका सेल ऑर्गेन के अलावा जैसे न्यूक्लियस देखें तो ये न्यूक्लियस में भी आपकी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो चाहे सेल मेम्ब्रेन हो चाहे सेल ऑर्गेन मेम्ब्रेन हो, इन सभी का फॉर्मेशन लिपो प्रोटीन से ही होता है, लिपो प्रोटीन से ही होता है, समझ में आया ना, ये मेम्ब्रेन चाहे ये मेम्ब्रेन कोई भी हो, ये लिविंग और आपकी सेमी परमिएबल ही होगी, चाहे इस मेम्ब्रेन की थिकनेस ले लें चाहे इसकी थिकनेस ले लें, सभी की थिकनेस 75 एंग्स्ट्रॉम ही रहेगी, तो चाहे सेल के अंदर देखें या सेल के बाहर देखें, जहां पर भी आपकी ये मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा है। समझ में आ गया ना, यूनिट मेम्ब्रेन का कहने का रीजन क्या था, क्योंकि आउटसाइड ऑफ सेल एंड इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, सो रॉबर्टसन कॉल्ड दिस मेम्ब्रेन इज अ यूनिट मेम्ब्रेन। समझ में आ गया कि सेल के बाहर और सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो संरचना और कार्य के आधार पर एक समान है, इसीलिए इसे इकाई झिल्ली कहा गया है। ठीक है, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है आपको, केवल लिख बस लेना है थोड़ा सा एक लाइन में कि कोशिका झिल्ली और कोशिका अंगों की झिल्ली कार और संरचना में एक समान होती है, इसीलिए रॉबर्टसन ने इसे इकाई झिल्ली कहा। ठीक है, हाँ, कार और संरचना में कहीं भी आपकी सेल मेम्ब्रेन हो एक जैसी होती है। नेक्स्ट देखना मेन मॉडल, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, यह है आपका फ्लुइडमोजिक मॉडल, फ्लुइडमोजिक मॉडल, ये है इंपॉर्टेंट
यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, द्रव मोज़ेक मॉडल। द्रव मोज़ेक मॉडल को 1973 में किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है आपका इस मॉडल को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है, ठीक है। देखना इसमें क्या होता है, इसमें आपका लिपिड, लिपिड जो होता है, जैसे अभी प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर नीचे बनाए थे ना हमने लेयर में, और लिपिड बीच में, तो यहाँ लिपिड जो होता है, लिपिड आपका कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में, लिपिड होता है लिक्विड के फॉर्म में। ये देखना ऐसे ऐसे हम बनाएंगे, जैसे वॉटर होता है ना ऐसे, ये लिक्विड में रहता है लिपिड, ये लिक्विड में है लिपिड, लिपिड लेयर है ये। आप ऐसे दो तीन लेयर बना लीजिए ऐसे, ये है आपका लिक्विड फॉर्म में लिपिड। और इस लिक्विड, हाँ क्या न, हाँ ये मिलेगा आपका, लेकिन 73 करेक्ट है, आप ये करेक्शन सेशन को लेकर के मिलता है, किसी में आपका 72 मिलेगा, 73 सही है, आप 73 लिखिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी में 73 मिलेगा आपको, बाकी अरिहंत वगैरह ये सब पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपका 72। देखना इसमें ये आपका ये क्या है, लिपिड लेयर है, ये क्या है, लिपिड लेयर, स्पीड में देखना थोड़ी इसको, लिपिड लेयर, इसकी थिकनेस आपकी कितनी है, 35 एंगस्ट्रॉम। इस लिपिड लेयर में आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो मोज़ेक करते हैं, वो गति करते हैं, तो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल आपके ऐसे कुछ बाहर निकले, कुछ धसे से, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे पेरिफेरल साइड में, कुछ प्रोटीन बिल्कुल आपके अंदर होते हैं, कुछ ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, तो ऐसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आपके क्या करते हैं, फ्लूड में, लिपिड फ्लूड में मोज़ेक करते, मोज़ेक मींस गति, गति, मूव करते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके ये बाहर से निकले हैं, आपके ये बाहर की तरफ निकलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, या आउटर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, एक्सट्रेंसिक मतलब बाह्य प्रोटीन अणु, ठीक है ना, और एक जो अंदर की ओर है उन्हें हम बोलते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक वर्ड समझ में ना आए तो आउटर लिख सकते हो, आउटर प्रोटीन, आउटर प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये हो जाएंगे आपके एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक या इंटरनल प्रोटीन मॉलिक्यूल, इंट्रेंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। इनकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम और ये आपका 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये मॉडल आपका सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है, ठीक है, कैसे ऊपर नीचे नहीं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ही ये बना दिया है मैंने ऐसे, ये अणु, अणु जैसे कण होते हैं ना कण, तो ऐसे आपका ये गोल है आपका ऐसे, ये कोई लेयर नहीं है, ये आपके ऐसे अणु बनाए हैं मैंने, ठीक है। अब देखो इस मॉडल को क्या क्या नाम दिया गया है, इस मॉडल को बोला गया है गुलाब जामुन मॉडल, क्या बोला गया है, गुलाब जामुन, सभी ने खाया ना गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मॉडल। गुलाब जामुन इसे क्यों बोलते हैं, आपने देखा होगा कि चाशनी जो है वो लिपिड है आपकी, और गुलाब जामुन जो है वो प्रोटीन है, तो आधे गुलाब जामुन ऐसे बाहर निकले रहते हैं, आधे डूबे रहते हैं, होते हैं ना, कुछ पूरी तरह से जो फूट जाएंगे वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखने पर हमें गुलाब जामुन की याद आती है, तो इसलिए इसे हम गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं, समझ में आ गया ना। इसे हम दूसरा, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट, नीट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें आपका आ चुका है ये क्वेश्चन, इसे हम प्रोटीन आइस वर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉडल भी बोलते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन आइस वर्ग इन सी, सी ऑफ लिपिड मॉडल, या फॉस्फोलिपिड भी लिख सकते हैं, या लिपिड डायरेक्ट लिख लो, लिपिड मॉडल, ठीक है ना। इसे इस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि आइस वर्ग बने होते हैं, आइसलैंड, टापू, टापू बने होते, चारों तरफ पानी और टापू बना होता है, तो इसी तरह पानी क्या है आपका, लिपिड, और टापू क्या है आपके, प्रोटीन, ठीक है ना। तो आपके
लिपिड रूपी समुद्र में आपके प्रोटीन के आइसबर्ग देखने को मिल रहे हैं। ये आपका समुद्र है जो कि लिपिड का बना हुआ है, ये ब्लू कलर का, और ये जो रेड रेड हैं वो आपके प्रोटीन के कैसे दिख रहे हैं, आइसबर्ग दिख रहे हैं। समझ में आना? तो इसे हम प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये मैंने आपके मॉडल फिनिश किए हैं, फंक्शन आपका कल की क्लास में बता दूंगी मैं। ठीक है, क्लियर है? इसको रिवाइज करके आइएगा। ओके, जय हिंद।